Hey guys, it's Devina and welcome back to my channel, The Hapiness Cocktail. So in my today's video, I'll be going to share with you all what I ate in this whole week, and it will be going to a very healthy breakfast ideas. So if you are new to my channel, then please consider subscribing. That means a world to me. So without any further ado, let's get into the video. Yay! So Monday I'm starting with this moong dal chilha. So ye maine moong dal ko raat ko hi bhinga diya tha aur ye aisa dikh raha hai. Ab main ise grind karne wali hoon. मैं इसका कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह डालूंगा. बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, ये ऐसा दिखना चाहिए. अब मैं पैन में थोड़ा सा घी डाल रही हूँ. आप ऑयल भी डाल सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू गाइस. अब मैं इसमें हल्का सा 3 or 4 स्पून जो मैंने अभी ग्राइंड किया था वो मैं डाल रही हूँ दाल का चिल्ला बनाने के लिए. अच्छे से इसे पकाना है दोनों साइड से, थोड़ा रेडिश होते तक. So this is the final result, guys. So Tuesday को मैं oats का दलिया बनाने जा रही हूँ. उसके लिए हमें चाहिए टमाटर, प्याज और कॉलीफ्लावर, कैरेट और जो भी वेजिटेबल आपके घर पे होगा आप यूज़ कर सकते हैं. और मैं पैन में थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ और उसमें मैं मिर्ची और प्याज का फ्राई कर लूँगी हल्का सा, और उसके बाद फिर मैं कैरेट और कॉलीफ्लावर डालूँगी एक साथ, फिर नमक मिर्ची डाल के थोड़ा सा और फ्राई करके. और मैंने सोया चंक्स को भी डिप करके रखा था फॉर 10-15 मिनट्स, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, तो वो भी रेडी हो गया है. मैं उसको भी साथ में इसके डाल दूँगी. और फिर लास्ट में हमें ओट्स डालना है जब सब कुछ रेडी हो जाएगा तो. और हमारा ओट्स तैयार है. Didn't think you would believe me when I said that I don't need it. We were letting all our feelings, still we had enough. Cause you told me that I hurt you just the way that I want to. And I wish we could reverse it, take it from the top. And I say, ooh la la la, don't get enough. Ooh la la, who can say I can fix it? Who can say it's not? हे गाइस, तो मैंने सोचा वेनेसडे को मैं थोड़ा सा लाइट कुछ ले लूं, तो फिर मैं ये एप्पल का शेक बना रही हूँ. ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है गाइस, प्लीज़ डू ट्राई इट वंस. उसके लिए मुझे चाहिए एप्पल. मैंने एक कप एक स्मॉल बॉल में एप्पल लिया है और फिर चॉकलेट के थोड़े पीसेज हैं एंड ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास एलमंड ही था. और सब कुछ मैंने एक साथ मिक्स करके अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी. और फिर मैंने नंदनी का मिल्क लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं दूसरा कोई मिल्क. सो दैट्स व्हाट, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. प्लीज डू ट्राई इट वंस. सो गाइस, थर्सडे को मैं मिलेट्स बनाने वाली हूँ. ये मैंने पैकेट डीमार्ट से लिया था, 90 रुपीज़ का 2 पैकेट्स मिला है, आई थिंक दैट्स व्हाट. और फिर बहुत ज़्यादा ऑसम है ये. एक कप मिलेट्स में 2 कप वाटर डालना है, और फिर ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिशियस होता है गाइस, डू ट्राई इट आउट. और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है. और उसमें मैं ये पोलियोग्रेग ले रही हूँ मसाला एवरेस्ट का, ये इजिली अवेलेबल है डीमार्ट में से मैंने लिया था. और उसके साथ मैंने दाल और कोरिएंडर, टमाटर, प्याज सारी चीज़ें लिए हैं. मैं जैसे आप पोहा बनाते हैं सेम वही आपको वैसे ही करना है. थोड़ा सा मैंने पीनट्स को फ्राई कर लिया है, और फिर मैं इसमें सारे मसाला, दाल और एक साथ सब कुछ फ्राई करके मैं पोलियोग्रे मसाला के साथ टर्मरिक डाल के फिर मैं मिलेट्स डाल दूँगी और वो हो जाएगा. बस आप देखिए कितना सही दिख रहा है. आप प्लीज़ इसे डू ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो हाउ इट वॉज. Drunk and I miss you.
सो गाइस फाइनली फ्राइडे केम एंड ये मैं पीनट बटर बना रही हूँ अपने लिए. मैंने एक स्मॉल बॉटल ख़त्म कर चुका है इसका. ये बड़ा मैंने 1 kg ऑर्डर कर लिया, इसलिए बहुत ज़्यादा टेस्टी है. मैंने अमेज़ॉन से इसे ऑर्डर किया था. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं. इसमें शुगर ग्लूटेन कुछ भी नहीं होता और ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक है. और फिर आप इसे बिल्कुल ट्राई करिएगा. इसके लिए आपको बस ब्रेड चाहिए होगा और टोस्टर चाहिए होगा और फिर आपको बस इसे रख देना. और मैं इसमें बनाने के साथ टॉपिंग कर रही हूँ. गाइज अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ डू ट्राई इट आउट. पीनट बटर के साथ बनाना टॉपिंग्स, ओ गॉड दैट इज़ लाइक लव फॉर मी. और फिर मैं इसे बहुत अच्छे से भी खाने वाली हूँ. मतलब ये मेरी क्या बताऊँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ये. अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ. तब तक टेक केयर ऑफ सेल्स.